कल रात लंदन स्टैंडर्ड से फ्लाइट ली और डायरेक्ट सिविल पहुंचे और रात को इस इबिस स्टाइल होटल में रहे। दिस इज़ वन ऑफ द गुड वेरी कूल होटल चेन। ये हमने इबिस स्टाइल होटल चूज किया बिकॉज ये ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल पास है। टाइम इज़ 8:45 और अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हम सिविल से जाएंगे कुर्तुबा जो कि ट्रेन से तकरीबन 1 घंटे दूर है। आपको खुश आमदेद स्पेन के शहर कुर्तुबा में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्पेन के शहर कुर्तुबा में। मुस्लिम दौरे हुकूमत में यह मुस्लिम रियासत अल अंदलस का दारुल खिलाफा था और ख़ासकर 10वीं और 11वीं सदी में यह दुनिया का अहम तरीन शहर था। आज भी ये शहर मशहूर है अपने लजीज खानों, सकाफत, सुनहरी तारीख और यूरोप की सरजमीन पर तामीर करदा मुसलमानों के मशहूर मोन्यूमेंट्स जैसे मस्जिद कुर्तुबा की वजह से। आने वाले कुछ दिनों में मैं ये शहर एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा और इस डॉक्यूमेंट्री में हम ये देखेंगे कि अपने सुनहरी दौर में इस शहर ने किस तरह इल्म और फन की बुलंदियों से यूरोप को मुतासिर किया। और इस डॉक्यूमेंट्री में हम ये भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि आज का कुर्तुबा आने वाले सयाहों को किस तरह मुतासिर करता है। आठवीं सदी में नॉर्थ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में मुसलमान खिलाफत बनू उमैया ने स्पेन को फतह करना शुरू किया। मुस्लिम सुनहरी दौर की कहानी शुरू होती है जब बनू अब्बास की हुकूमत कायम हुई तो मिस्र में बनू उमैया के एक सरदार अब्दुल रहमान अव्वल ने मिस्र से फरार होकर इस सरजमीन पर आकर कुर्तुबा शहर की बुनियाद रखी। दसवीं सदी में कुर्तुबा अपने अरूज को पहुंचा जब ये अमीर अब्दुल रहमान III के दौरे हुकूमत में दुनिया के जदीद तरीन शहरों में से एक अजीम सकाफती, सियासी और इक्तसादी मरकज बना। और कुछ अरसे बाद अब्दुल रहमान III ने कुर्तुबा को मरकज बनाकर अपनी खुद मुख्तार खिलाफत का ऐलान कर दिया। अब्दुल रहमान अव्वल ने अपनी वफात से 2 साल कबल मस्जिद कुर्तुबा की तामीर का आगाज़ किया जो आज भी इस शहर में अपने नायाब इस्लामी आर्किटेक्चर की मिसाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुर्तुबा मॉस्क के बाहर। कुर्तुबा मॉस्क में जाने से पहले हमने डिसाइड किया है कि पहले हम जाएंगे बेल टावर पे क्योंकि शाम का वक्त है तो इस वक्त लाइट सॉफ्ट होती है, कुर्तुबा शहर की तस्वीरें ऊंचाई से अच्छी आएंगी।
और यहाँ से हम पेल टावर का एक फ़ायदा ये भी है कि कुर्तुबा को ऊंचाई से देख सकते हैं। बेल टावर पर जाने के लिए आप अलहदा से भी इसकी मस्जिद से अलहदा भी आप टिकट ले सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक मशीन है, आप उस मशीन से भी आप बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 200 से ज़्यादा स्टेज हैं जो कि मीनार के टॉप पर जाने के लिए आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। यह है चर्च का बेल टावर जो आजकल एक बेल टावर के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन जब ये मस्जिद थी तो ये मस्जिद कुर्तुबा का मीनार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यह है चर्च की बेल जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है और इस तरह ये काम करती है। अब मुझे पता चला क्योंकि यहाँ पे एक चेन है जो इलेक्ट्रिसिटी से इसको मोटर के ज़रिए घुमाती है और ये जो बेल है इसकी फिर इस तरह चलती है। दिस इज़ हाउ दी बेल वर्क। यहाँ से 5 वक्त अजान की आवाज़ आती थी, अब यहाँ से शहर में बेल की आवाज़ आती है। जो ही आप मस्जिद कुर्तुबा में दाखिल होते हैं तो आपको जल्द ही एहसास हो जाता है मस्जिद कुर्तुबा दुनिया की मुनफरिद इबादत गाहों में से एक है। इसका साइज और छतों की ऊंचाई देखकर कुछ लम्हों के लिए हमारे एहसास दंग रह जाते हैं। 800 से ज्यादा सतूनों और मेहराबों पर कायम और मुसलमानों के अरूज और दर्दनाक जवाल की तारीख अपने दामन में समेटे ये वसी और अरीज मस्जिद उस दौर की इस्लामी फन तामीर की खूबसूरती और तहजीब को जाहिर करती है। जैसे ये सुर्ख और सफ़ेद मेहराब जिसने मस्जिद नबी के सियाह और सफ़ेद मेहराबों को मुतासिर किया। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ इस्लामी दौरे हुकूमत में इस मस्जिद का हुजम बढ़ता चला गया और एक दौर में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद थी। तेरहवीं सदी में जब मसीह बादशाहों ने शहर को फतह किया तो उन्होंने इस मस्जिद को तबाह करने की बजाय कुछ अरसे बाद इस मस्जिद के एक हिस्से को चर्च में तब्दील कर दिया। स्पेनिश जुबान में मस्जिद को ला मेस्किटा कहते हैं। कुछ साल पहले यहाँ पर कैंपेन चली थी कि इस मस्जिद का नाम सिर्फ कैथेड्रल ऑफ कुर्तुबा रख दिया जाए, लेकिन बहुत से लोगों ने इसकी मजम्मत की और अब गवर्नमेंट ने इसका नाम कुछ साल पहले कैथेड्रल मॉस्क ऑफ कुर्तुबा रखा है। आज कुर्तुबा की मस्जिद इसलिए भी मशहूर है क्योंकि ये शहादत देती है मुस्लिम खिलाफत की और एक खूबसूरत मिसाल है मुस्लिम आर्किटेक्चर और डिज़ाइन की जिसे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ तबके के लोग देखने आते हैं। इस मस्जिद को देखकर यह भी अंदाजा होता है कि किस तरह दो मजहब इस्लाम और ईसाइत ने और दो सकाफतों ने इस इलाके की तश्कील की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद कुर्तुबा के कोर्टयार्ड में। जब मस्जिद कुर्तुबा की तामीर की गई तो उसके साथ साथ इस कोर्टयार्ड की भी तामीर की गई। अगर आप भी अगर मस्जिद कुर्तुबा विज़िट करने आए तो इस कोर्टयार्ड में ज़रूर कुछ देर गुजारें।
अब्दुलरहमान तीन के दौरे हुकूमत में ये जगह शहरियों के समाजी इज्तिमात के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये कोर्टयार्ड इसलिए भी अहम है क्योंकि बहुत से लोग ये भी ख्याल करते हैं कि ये कोर्टयार्ड यूरोप का सबसे कदीम कोर्टयार्ड है। मस्जिद के मेन दरवाजे के साथ ही मस्जिद कुर्तुबा में इस्तेमाल की गई लकड़ी के पुराने स्तून रखे गए हैं। मस्जिद कुर्तुबा शहर के सेंटर में वाक़िया है, जहां आसपास गलियों में रिहाइश के लिए होटल और खाने के लिए रेस्टोरेंट मौजूद हैं। इसी वजह से इस इलाके को कुर्तुबा शहर का दिल कहा जाता है। इन गलियों में फिरने से आपको वाकई ही एहसास होता है कि आप जैसे किसी तारीखी शहर की सैर कर रहे हैं। अक्सर घरों के डिज़ाइन और इमारतों के डिज़ाइन अरब सकाफत की अक्कासी करते हैं। मस्जिद कुर्तुबा के सामने काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट, होटल, कैफ़े भी हैं और साथ में काफ़ी दुकानें हैं। एक दुकान ये बड़ी एक यूनिक चीज़ मिली है, ऊपर कैंडी लगी हुई है। स्वीट के अंदर एक ग्रेप है और ग्रेप के बाहर जो है कोटिंग कैंडी की हुई है। बच्चों के लिए ठीक है, ख़ुद भी अच्छा लग रहा है ये, लेकिन जब कैंडी ख़त्म होती है ग्रेप का टेस्ट आता है, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल। अगर आपने इस्लामी दौरे हुकूमत की बेहतरीन रवादारी की मिसाल देखनी हो तो कुर्तुबा में ज्यूइश क्वार्टर आज भी मौजूद है। स्पेन के मुख्तलिफ शहरों की तरह कुर्तुबा में भी एक वक्त में तीनों मज़हब, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज्यूडिज़्म से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक इलाके में रहा करते थे। उस ज़माने में इस पर्टिकुलर एरिया में अक्सरियत ज्यूइश कम्यूनिटी रहा करती थी, तो जिसकी वजह से इसको ज्यूइश क्वार्टर कहा जाता है। ये इलाका भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की फहरिस्त में शामिल है। यहाँ पर पुरानी इमारतों को अभी तक उसी तरह बरकरार रखा गया है। और आज भी यहाँ पर एक सिनेगोग मशहूर है जहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ, और ये ज्यूइश कम्युनिटी के लिए एक इबादत की जगह थी। इन्हीं तंग गलियों में आपको ये एक यहूदी फिलासफर भी मिलेंगे जो कि अपनी फ़लसफे की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे, क्योंकि अरब सकाफत की वजह से अक्सरियत जो लोग यहाँ पर ड्रेस करते पहनते थे वो इन्फ्लुएंस था अरब सकाफत से। तो इस वजह से ये जो स्टैचू आपको नज़र आ रहा है, ये इनका उन्होंने अरबी ड्रेस पहना हुआ है। दसवीं और पंद्रहवीं सदी तक यहाँ पर अक्सरियत ज्यूइश कम्युनिटी रहा करती थी, लेकिन जब
मसीह हुक्मरानों ने इस इलाके को फतह किया तो मुसलमानों के साथ जूश कम्युनिटी को भी इस इलाके से निकाल दिया गया। अब मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस इलाके में आबाद हैं और अक्सरियत यहाँ पर जो घर हैं वो Airbnb या booking.com के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने भी इसी एरिया को सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ से मस्जिद कुर्तुबा और क्वाइट सेंट्रिक टूरिस्ट प्लेसेस इतनी दूर नहीं हैं, ओनली 1 माइल के रेडियस पर अक्सरियत टूरिस्ट प्लेसेस अवेलेबल हैं। स्पेन अपने टापास की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। टापास ऐसे हल्के फुल्के खाने को कहते हैं जो खाने से पहले या खाने के दोपहर और रात के खाने के दरमियान इसको खाया जाता है। हल्के फुल्के खाने की काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन कुर्तुबा में वन ऑफ़ द फेमस डिश ये टमाटो प्यूरी सूप है और इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी है। इंडोनेशिया जो स्पेन का साउथ है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि ये एक सकाफती इनका ये कोल्ड एक सूप है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग गार्लिक खुशबू की वजह से कि मुझे इतना ज़्यादा कोई वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन बट इट वाज़ ए नाइस एक्सपीरियंस। और ट्रेडिशनली हम जब भी सूप पीते हैं तो हम हमेशा हॉट सूप पीते हैं और ये कोल्ड सूप था वो इतना ज़्यादा फैक्टर नहीं है। अच्छा है, ठीक है, कोल्ड सूप अच्छा लग रहा है यहाँ पर और मेरे ख्याल है गर्मी की वजह से शायद गर्मियों में और ज़्यादा ये अच्छा लगता हो। थैंक यू वेरी मच। ये एक ऐसा महल है जिसने अपनी तवील तारीख के दौरान बहुत से किरदार अदा किए हैं। 8वीं सदी में ये मुस्लिम खिलाफत की रिहाइश गाह थी और बाद में कैथोलिक बादशाह का घर, और एक दौर ऐसा भी गुजरा कि इस इमारत को जेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज भी उस जमाने के खूबसूरत बाग मौजूद हैं जो बादशाहों के आराम करने की एक दिल अजीज जगह थी। जिस तरह कुरान में बार बार पानी की अहमियत को बयान किया गया है और ये भी बताया गया है कि पानी एक रब की नेमत है, इसी वजह से 10वीं और 11वीं सदी में इस्लामी दौरे हुकूमत में इस सूबे अल-अंदलस में सबसे पहले पानी के निज़ाम को बेहतर बनाया गया। और आज भी आपको इस इलाके के महलों में अक्सर आपको पानी की अहमियत और सरसब्ज पौधे और पानी ज़िंदगी के लिए कितना अहम है इसकी झलक मुख्तलिफ अंदाज में देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि इस महल में बादशाह को मिलने क्रिस्टोफर कोलंबस आया था जब वो अमेरिका की दरियाफ्त के लिए फंड्स इकट्ठे कर रहा था। उसकी याद में ये बादशाह और मलका का स्टैचू क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ बनाया गया है। ये मेरे ख्याल ब्लैक ओलिव का ट्री है। कुरान मजीद में जैतून के बारे में काफ़ी दफ़ा जिक्र किया गया है, इसी वजह से अरब सकाफत और इस्लामिक कल्चर में जैतून के दरख्त को अजमती और बरकत के तौर पर जाना जाता है। ओलिव और ऑरेंज ट्रीज मुसलमानों के दौर की निशानियां हैं। इस्लामी दौरे हुकूमत में जब मुसलमानों ने अल-अंदलस के इलाके को फतह किया तो आने वाले मुसलमान अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आए। उनमें से दो ऐसी चीज़ थी खास जो ऑरेंज और ऑलिव ट्रीज मिस्र से आने वाले महाजरीन अपने साथ लेकर आए, और यहाँ पर इसी वजह से आजकल आपको बेतहाशा ऑलिव की प्रोडक्ट्स और ऑलिव ट्रीज नज़र आएंगे। Thank you।
ब्रिज जो कि दरियाए अल कबीर पर बनाया गया था, इस तारीखी पुल पर खड़े होकर एक तरफ आपको कुर्तुबा का जदीद शहर नज़र दिखाई देता है और दूसरी तरफ मस्जिद कुर्तुबा। ये पुल जिसके ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ ये पहली सदी में बनाया गया, उसके बाद 8वीं सदी में मुस्लिम दौरे हुकूमत में इसको बकायदा तौर पर बनाया गया। इस पुल के आखिर में एक टावर है जो शुरू में इस शहर की दफा के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसको मौजूदा दौर में इसको एज ए म्यूज़ियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम सुनहरी दौर में ईजाद की जाने वाली चीज़ें और ख़ास तौर पर मेडिकल से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो उस दौर में बनाए गए थे वो इस म्यूज़ियम में रखे गए हैं। कुर्तुबा को एक्सप्लोर करने के लिए अभी हम ट्राई करने लगे हैं हॉर्स कैरेज राइड जो सिविल और कुर्तुबा में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। अब ये कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वाकई मैं किसी तारीखी शहर में घूम रहा हूँ। मुस्लिम दौरे हुकूमत में कुर्तुबा शहर में तकरीबन 500,000 से ज़्यादा रिहायशी आबाद थे और इन सब को हमाम तक रसाई हासिल थी क्योंकि ये इस्लामी सकाफत का एक बुनियादी हिस्सा है। उस दौर में ये हमाम ना सिर्फ गुसल के लिए इस्तेमाल किए जाते थे बल्कि एक सोशल गैदरिंग की एक प्लेस भी हुआ करती थी। कुछ हमाम खलीफा और उनके ख़ानदान के लिए वक्त थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक हमाम में जिसे 19वीं सदी में आर्कियोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया। आज ये हमाम प्रैक्टिस में तो नहीं लेकिन ये कि मुस्लिम दौरे हुकूमत की याद जरूर दिलाता है। यह है रोमन टेंपल के बकाया जिन्हें 1950 में शहर की तोसी के दौरान दरियाफ्त किया गया। तारीख दान के मुताबिक ये सिर्फ टेंपल नहीं था, ये पहली सदी में तामीर किए हुए इस इलाके की एक बहुत ही अहम और सबसे बड़ी इबादतगाह थी इस पूरे सूबे की। आजकल ये रेनोवेशन और यहाँ पर एक्सटेंशन हो रही है जिसकी वजह से ये बंद है, हम इसको विज़िट नहीं कर सकते। जस्ट अक्रॉस दी रोमन टेंपल ये एक हलाल शॉप हमें मिली है। वैसे तो इस गली के अंदर अगर आप अब सीधे चले जाएं तो यहाँ पर टाउन सेंटर है, वहाँ पे काफ़ी कैफ़े रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन ये एक शॉप मिली थी और एक से आगे भी एक शॉप है जो हलाल ऑप्शन है। सबसे अच्छी बात है दिस इज़ वन ऑफ़ द परफेक्ट प्लेस क्योंकि बाहर बैठे खा रहे हैं, ऑरेंज की जो स्मेल आ रही है, खुशबू जो आ रही है ऑरेंजेस की, ये एक उस वो एक अलहदा वाइब है। मैं फ्लेवर का जो ये प्लेटर है छोटा सा प्लेट जो फ्राइड इसकी क्रिस्पी की साउंड है ना, इससे ही पता चल रहा होगा शायद आपको कि कितना ये क्रिस्पी है। इट्स टोटली फ्राइड। रैप को खोलना सबसे बड़ा मुझे वो है, ग्रिल चिकन और सैलड और दिस इज़ वन ऑफ दी अदर ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं हलाल ऑप्शन। कुर्तुबा शहर में जहां आपको मुस्लिम दौरे हुकूमत के आर्किटेक्चर की मिसालें देखने को मिलेंगी वहां आपको
16वीं सदी की यूरोपियन सिविलाइजेशन की आर्किटेक्चर की मिसालें भी देखने को मिलेगी। जिस तरह कुर्तुबा शहर में 16वीं सदी में तामीर होने वाला ये एक स्क्वायर जो यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है। पुराने जमाने में ये जगह बुल फाइट्स और पब्लिक एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब मौजूदा दौर में यहाँ पर चारों तरफ फ्लैट्स हैं और नीचे इनके दुकानें और डिफरेंट कैफेज हैं। अभी यहाँ पर हफ्ते में एक दफा मार्केट भी लगती है। नौवीं सदी में अब्दुल रहमान III ने बगदाद से अलहदगी का ऐलान करते हुए अपनी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खिलाफत का ऐलान कर दिया। कुर्तुबा शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक नया शहर मदीनातुल ज़हरा तामीर करने का फ़ैसला किया। एक बताती है कि खलीफा ने इस शहर का नाम अपनी महबूब बीवी के नाम पर रखा, लेकिन कुछ का ख्याल ये है कि वो अपनी ताकत का इजहार दिखाना चाहते थे, और कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि वो शहर की दफा के लिए उन्होंने एक नया शहर आबाद किया। 10वीं सदी में ये यूरोप का सबसे बड़ा और जदीद शहर था, जिसमें पानी का निज़ाम बेहतर और स्कूल और लाइब्रेरीज मौजूद हुआ करती थी। बताने वाले ये भी बताते हैं कि जब दुनिया में स्ट्रीट लाइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इस शहर की गलियां चिरागों से रोशन हुआ करती थीं। मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों की वजह से और जंगों की वजह से इस शहर के वजूद को ख़तरा पड़ गया। चुनाचा 10वीं सदी में नॉर्थ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान कबीले बर्बर कबीले ने यहाँ के एक रिहायशी फौजी अफसर के साथ मिलकर इस शहर को फतह कर लिया और तमाम रिहायशियों को कत्ल कर दिया, और कुछ अरसे बाद जब इस शहर को छोड़कर जाने लगे तो इस शहर को आग लगा दी। मदीनातुल ज़हरा के खंडरात आज भी इस शहर के पास तकरीबन 8 किलोमीटर दूर मुकीम है। 20वीं सदी में इस शहर की दोबारा से खुदाई शुरू की गई और आज ये आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल है। बल्कि कुर्तुबा शहर को ये भी एज़ाज़ हासिल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आलमी विरसे की जगहें इस शहर में मौजूद हैं, बल्कि रोम और पेरिस से भी ज़्यादा।